फ्रेंड, सीमा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मटर मलाई। ये रेसिपी जितनी टेस्टी है खाने में उतनी बनाने में भी इजी है। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है मेथी, जो पहले से हमने वॉश करके अच्छे से काट लिया है। यहाँ हमने मटर लिया है, जो पहले से बॉयल कर लिया है थोड़े से नमक डालकर। यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज़ के अनियन लिए, जो हमने इसे रफली काट लिया है। हमें अदरक और लहसुन को भी इसी तरह से काट लिया है। यहाँ पे हमने तीन हरी मिर्चें लिए हैं, आप अपने तीखे के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे हमने काजू लिया है, थोड़ी गरम मसाले लिए हैं, नमक चाहिए होगा, थोड़ा ज़ीरा पाउडर लिया है और यहाँ पे थोड़े खड़े मसाले हमने लिए हैं। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जो इस तरह से हमने काट लिया है। थोड़ी ऑयल की ज़रूरत होगी, हमें क्रीम की ज़रूरत होगी, जो आप चाहें तो मार्केट वाली यूज़ कर सकते हैं, हम घर वाली यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा इसमें ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तेल गर्म होते ही हम इसमें मेथी के जो पत्ते जो हुए थे उसे डाल देंगे। तेज़ आंच पे इस तरह से हमें भूना है, आइए सॉफ्ट भी हो चुके हैं। चलिए अभी से हम ग्रेवी निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अब इसी पैन में हम थोड़ा तेल और लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है हमें। देखिए हमारे ऑयल गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम अपने अनियन डालेंगे, अदरक डालेंगे और उसे हमें तेज आँच में उसे चलाना है। प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। ये देखिए हमारे अनियन थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं और उसका कलर भी चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे भी हमें तेज़ आँच में ऐसे भूनना है। टमाटर डालने के बाद हम साथ ही साथ हम काजू के उसमें डाल लेंगे, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए हमारे सारे मसाले सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे और इसे पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सेम कढ़ाई लिया है, उसमें हमने तेल डाल के गरम कर लिया। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, हमारे मसाले जो भून चुके हैं। अब इसमें हमने जो ग्रेवी तैयार की ऐड करेंगे, और जीरा पाउडर जो लिया था वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम मसाला भून लेंगे। देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं और ऑयल भी साइड साइड में करना शुरू हो गया। इसके बाद हम इसमें अपनी मेथी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही हम मटर भी ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से हमें मिलाना है, इसे अच्छे से दो मिनट तक हमें इसे अच्छे से भूनना है इस मसालों के साथ।
पराठा के जो हमें खुद करेंगे इसमें डाल देंगे। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिलाना है। दो मिनट इसे भी हमें अच्छे से पकाना है हाई फ्लेम में। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे दो मिनट तक हम इसे ढक के इसे पकाना है हमें इसे। उससे पहले हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। देखिए ग्रेवी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसी तरह हम इसे ढक के दो मिनट तक इसे पकाते हैं। ये देखिए दो मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए मैंने अपने डिश को सर्व कर लिया है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।